तो जो आज वाली हमारी लोकेशन है ना, वो जैसे ही हम टेंट खोलेंगे ऐसी लोकेशन दिखेगी, पूरा बर्फ बर्फ वाला पहाड़। और अभी आज हमारे साथ बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच गई हैं, टीके ब्लॉग्स लगते हैं। और भाई को भी भाई फुल सपोर्ट करें, फुल सब्सक्राइब करें, मस्त भाई। केदारनाथ यात्रा तो एकदम मस्त रही, लेकिन जो एक गढ़वाली गाना था ना कि ये वो मेरी कमर पिड़ा, आज तक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सच्ची में हो गई यार। भाई ये कौन सी डिश है? पहली बार खा रहा हूँ मैं इसको तो। और भाई फूड ब्लॉगर है, वाह। हे महाराज में नर नहीं नारायण या गौरी कुंड भाई तन्ने टेन छोड़ सुबह। कल का जो हमारा रूम था ये था, अभी हमने यहाँ से भी चेकआउट कर लिया, बाकी सब फ़ोन निकाल लिया वगैरह, सब जो भी हमारा सामान था पैक कर लिया और हम लोग रेडी हो गए। अब निकलते हैं गौरीकुंड से और केदारनाथ के लिए। और ये हमारी यात्रा का तीसरा दिन होने वाला है, आज बहुत बड़ा ट्रैक होने वाला, असली अग्नि परीक्षा आज है। क्योंकि आज तक तो हम फ्लैट आ रहे थे, सीधा चल रहे थे, कहीं विलेज से होके गुजर रहे थे, रास्ते में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन आज हमें शायद ही कुछ मिलेगा, क्योंकि पूरा ट्रैक जंगल जंगल से होके जाना है। और यहाँ से लेके 20 किलोमीटर केदारनाथ तक का पूरा खड़ा ट्रैक है, पूरा चढ़ना ही चढ़ना है, कहीं सीधा नहीं मिलेगा। तो आज जो असली अग्नि परीक्षा है वो आज होने वाली है। फिलहाल हम अपना व्लॉग शुरू कर लेते हैं। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से और गौरीकुंड के इस खूबसूरत गौरी माता मंदिर से। अभी सुबह के 6:30 हो गए और मौसम थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। और अच्छी खासी ठंड होने लगी है अभी सुबह ही, अगर धूप नहीं निकलती है तो रास्ते में हालत ख़राब होने वाली है लगता है आज। चल चल चल। हे महाराज में नर नहीं नारायण या गौरी कुंड भाई तन्ने टेन छोड़, सुबह 4 बजे लग गया अभी अपलोड हुए ही नहीं। हे महाराज चिन्ह बोल तुम तो। अभी भाई ने कल ना इसने वीडियो एडिट कर दिया था, रात को लगभग 12 बजे तक एडिट कर दिया था और उसके बाद सो गया। और हमें पता था कि रात को नेट सही चलेगा, क्योंकि सब लोग सो जाते हैं तो उसके बाद नेट सही चलता है। तो हम मैंने और सुजान भाई ने वीडियो को रख दिया खिड़की में और नेट पकड़ लिया और मतलब 2 घंटे में पूरा अपलोड हो गया 5-6 GB का। और ये जब सुबह उठा मैंने इसको उठाया तो ये तब लगा हुआ था और इसका नर नहीं नारायण नहीं ऐसा कुछ कहा कि मेरा भगवान कहाँ सोए हो तुम, फटाफट से नेट तो दिला दो, मैं वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो इसको देखते हैं रास्ते में कहाँ कहाँ होगा। भाई का चैनल भी है यूट्यूब पे, कौन सा नाम से है संजय भाई? तेरा पहाड़ी। अरे भाई भी है क्या आगे से? भाई भी लगा दो। तेरा पहाड़ी, हाँ तेरा पहाड़ी है, संजय का चैनल भी है। तो आप जाके इनको भी प्यार दिखाइए, इनको वीडियो को अपलोड करिए और खूबसूरत से वीडियो का मजा लीजिए। ये अभी नाश्ता ले लिया हमने और पीछे लाइन देखो, उस लाइन को तोड़ के आए हम बीच में से। हम जैसे ही वहाँ पे आए उन्होंने लाइन लगा दी और फिर से हमने खाना ले लिया। बाकी सुजान भाई वो पीछे लगे हुए हैं क्योंकि वो जल्दी यहाँ पहुँच गए थे और वो पीछे खड़े हो रखे हैं। तो खाने में तो मस्त भंडारे में एकदम पूरी मिली है, कद्दू राइस चावल और सूजी है, छोले है, एकदम कैसा लग रहा है अबू? संजय भाई कैसा लग रहा? मजा आ रहा? अंकुश भाई मजा आ रहा पक्का? भाई ये कौन सी डिश है? ये वाली, एक मिनट ना टेस्ट करना पड़ेगा इसको। पता नहीं यार। पहली बार खा रहा हूँ मैं इसको तो। और भाई फूड ब्लॉगर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लोकल फूड ब्लॉगर है, अभी हम लोकल फूड को वो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ये जलेबी जैसा लग रहा है, दिखाओ तो जलेबी उधर दिखाओ यार, किस चीज़ की है ये? गवा देसी घी का, इनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं। गवा देसी घी रे, गवार गवा तो चलिए अभी गौरीकुंड से हमने अपनी यात्रा शुरू कर लिया और अभी खच्चर पड़ाव पे हैं। अगर आप भी गौरीकुंड में आते हैं केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो यहीं से आपको खच्चर मिलेंगे और फिर यहां से आपको यात्रा शुरू करनी होगी।
अभी हम लगभग गौरीकुंड से 4 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और जो गौरीकुंड के बाद जो सबसे बड़ी मार्केट आती है वो आती है जंगल चट्टी की। बाकी रास्ते में आपको छोटे छोटे मार्केट, छोटी छोटी दुकानें और छोटे छोटे सेट्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको अगर बारिश होती है तो सर ढकने की जगह मिल जाती है। बाकी नींबू पानी की दुकानें तो सारी जगह ही है। और जो उसके बाद गौरीकुंड के बाद सबसे बड़ी मार्केट आती है वो है जंगल चट्टी की। अभी जो भी खच्चर ऊपर जा रहे हैं ना, सब में बस दुकान का सामान जा रहा है क्योंकि अभी स्टार्टिंग टाइम है ना, तो सब लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, दुकानें खोलेंगे और जैसे ही फिर कपाट खुल जाएंगे फिर लोग यात्रा को ऊपर नीचे करते रहेंगे। फिर तो अभी हम ना भीमबली में पहुंचने वाले हैं और मेरे पीछे एक वाटरफॉल देखो। तो जो ये वाटरफॉल ना कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है वो और एकदम दोनों पहाड़ों के बीच में है तो बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये बड़े बड़े पत्थर देखो, ये जो 2013 की जो आपदा आई थी ना उसमें ये पूरे पत्थर थे, तो वो कितनी बड़ी आपदा रही होगी जिसमें ये इतने बड़े बड़े पत्थर थे। और यहाँ नीचे भी ना वो पूरे पत्थर ये पूरा रास्ता तोड़ के चले गए थे। बाकी तो पत्थर तो फोड़ ही दिया है, बाकी जो यहाँ पे काम करने वाले वर्कर रहे होंगे उन्होंने पत्थर तो तोड़ दिया और नीचे अभी रास्ता बना दिया। बाकी ये पत्थर देखो यार, ये केदारनाथ आपदा के ना जिंदा प्रमाण पत्र है। अगर आप कभी भी आते हो ना तो आप देख सकते हो भाई साहब कितनी बड़ी वो आपदा रही होगी। हाँ संजय भाई, संजय भी उस आपदा में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही बचाता है। हाँ भाई थोड़ा बचाता भाई सही में था ना, इसने रियल मतलब वो फेस करी थी। ये जो है ना ये ऐसी गुफा टाइप की बनी थी, उसका पूरा पानी आ रहा है। तो भीमबली में भगवान की डोली थोड़ा सा विश्राम करती है, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं आपको दो रास्ते मिल जाएंगे। एक रास्ता ये ऊपर को आ रहा है, एक रास्ता नीचे को आ रहा है। तो ये जो नीचे को जा रहा है ना ये वाला नया रास्ता बना है और ये वाला पुराना रास्ता है। तो आपदा से पहले ये वाला ही रास्ता यूज़ करते थे, लेकिन जैसे ही आपदा आई फिर नया रास्ता बनाने की ज़रूरत पड़ी थी तो फिर ये वाला रास्ता बन गया। तो यार अभी हम ना एक पुल क्रॉस कर रहे हैं, देखो वो जाने का रास्ता है और ये आने का रास्ता है। अगर आप जाते हो तो वहाँ से जाना पड़ेगा और आने के समय यहाँ से आना पड़ेगा। अभी तो भीड़ कम है तो आप कहीं से भी जा सकते हो, बाकी जैसे भीड़ बढ़ती है तो फिर तो वो रूल फॉलो करना पड़ता है। और जब वो आपदा आई थी ना यहाँ आप उसके निशान दे सकते हो। ये देखो ऊपर ऊपर तक जहाँ जहाँ ये कटिंग हो रही है ना वहाँ वहाँ तक नदी का उफान था। और इधर नीचे देखो यहाँ तो अच्छा खासा चट्टान था लेकिन बच गया इसके कारण, नहीं तो इस वाली साइड भी बस मिट्टी थी तो वो पूरा ले गया उसको। और ये जो एरिया है ना ये वाला पूरा एरिया ये पहले आपने रामबाड़ा सुना होगा। तो अगर आप केदारनाथ के बारे में अगर सर्च करोगे तो रामबाड़ा एक फेमस जगह थी, मिडिल पॉइंट आता था और सबसे बड़ी मार्केट थी। मतलब ऐसा लगता था कि यही केदारनाथ है, पूरा खतरनाक से लोग पूरा मार्केट जमा रहता था वहाँ पर। लेकिन जब आपदा आई तो रामबाड़ा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा और यहाँ से शुरू होता था रामबाड़ा का मार्केट और ये ऊपर तक वो पूरा ख़त्म हो गया। अब तो वहाँ बस खतर वाले रहते हैं, वो भी अपने ऑन रिस्क पे, बाकी जो रास्ता है वो यहाँ से है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बड़ी लिंचोली में और थोड़ा सा मंदिर डोली यहाँ पर रुकी हुई है। और अब देखो हम कितनी हाइट पर आ गए हैं, सामने हमें बर्फ़ दिखने लग गई है इन पहाड़ों पे। यहाँ भी अच्छी खासी बर्फ़ थी लेकिन जो लोगों ने यहाँ पे जो काम वाले थे PWD वाले थे उन्होंने मेहनत करी ना ये सारी बर्फ़ हटा दी थी। और यहाँ पीछे देखो ऊपर तक अच्छी खासी बर्फ़ दिख रही है। और अब एक स्टेप ये है, ये वाला हम क्रॉस कर जाएंगे ना तो उसके बाद सीधा सीधा ही ज़्यादा चढ़ना नहीं है, बाकी उसके बाद हम भी केदारनाथ में। तो ये वाला जो हेलीकॉप्टर है ना इससे बाबा की डोली आ रही थी नीचे पे और उन्होंने वहाँ पे ऊपर से ऐसे फूलों की वर्षा की है ना, खतरनाक तरीके से उनका स्वागत कर दिया। बाकी अभी हम पहुँचने वाले हैं और अभी आज हमारे साथ बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहुँच गई हैं। RTK व्लॉग्स, ऋतिक भाई कैसे हो? बढ़िया हो। और ऋतिक भाई से हमारी पहली मुलाकात है, तो ऋतिक भाई
अगर आप लोग ऋतिक भाई को नहीं जानते ना, तो ऋतिक भाई ने हमारे फूड ब्लॉगिंग को पहाड़ी लाइफस्टाइल और फूड ब्लॉगिंग को ना इतना आगे बढ़ा दिया ना। इनका फूड ब्लॉगिंग का चैनल है और हमारी जो मतलब अगर आप काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि वो कहते रहते हैं कि फूड के बारे में बताओ, तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो अगर आपको खाने के बारे में जानना तो इनका चैनल आप विजिट कर सकते हैं। और भाई को भी भाई फुल सपोर्ट करें, फुल सब्सक्राइब करें, मस्त से। थैंक यू, इतने मस्त यात्रा हो रही है केदारनाथ की, आप भी जरूर आना। वैसे 5 से ना स्टार्ट यात्रा स्टार्ट होगी, मतलब ऐसा है कि यात्रा शायद फिलहाल 20 में ना वो कर रखी है। अच्छा, रोक रखी है, तो फिर 5 से स्टार्ट होगी, लेकिन आप आओ, मस्त है भाई। सही बात है, मजा आएगा, बर्फबारी और एकदम से। अभी हम इस वाले पॉइंट पर रुके हैं, थोड़ा सा डोली आने वाली है और ऊपर से देखो कितना खतरनाक ग्लेशियर है यहाँ पे, और इस लेवल तक यहाँ बर्फ पड़ती है। यहाँ ऊपर देखो कितने बड़े बड़े गोले बन रखे हैं बर्फ के, यहाँ पे ना वही देखो पूरा ऊपर से आ रखे हैं सब गोले। गजब, मिलता है फिर आगे। और अमित भाई से मिले रहे, सुजान भाई है, बाकी संजय जी, संजय कुमोला। तो चलिए जी, हम भी पहुंच गए हैं केदारनाथ केदारपुरी में, और अभी डोली आ ही रही है, हमने सोचा हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। तो आज रात भर डोली यहीं बाहरी पर रहेगी और ये पूरी कपाट खुलने की पूरी तैयारियां चली हुई हैं, फूल माला वगैरह। तो यार फिलहाल तो हम केदारपुरी में पहुंच गए हैं और जैसे यहाँ पे पहुंचे हल्की फुल्की बर्फबारी भी होने लगी है। बाकी ये जो एरिया है ना, यहाँ पे भी कहीं भी कमरे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि रूम में पानी नहीं है, बर्फ जमी हुई है तो रूम में पानी आ ही नहीं रहा, तो कोई कमरे में रख नहीं रहा। बाकी अभी जा रहे हैं हम नीचे जहाँ पे हमने अपनी व्यवस्था करी है, टेंट्स वगैरह हैं। और हमें ना आज रास्ते में कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली थी, वो कौन सी थी? भंडारा यार, मतलब वो उखीमठ से जब हम गौरीकुंडा आए ना, रस्ते में मिलते रहा, हम खाते आ रहे थे यहाँ तो उतने तो हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाए जितने उस टाइम पे खा लिया हमने, खाते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे भाई, शाम को रूम में खाएंगे हम। और आज वो इस रस्ते तो मिली नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अव्यवस्थाएं थी। इस समय केदार के जो पट्टे ना वो जल्दी खुल गए, तो थोड़ा अव्यवस्थाएं थी, वो तो हो गया, अभी पहुँच गए हैं तो अपनी व्यवस्था देखते हैं, पहले चलते हैं टेंट्स में। तो अभी हमको मतलब केदारनाथ से अभी जस्ट बारिश ऐसी हो रही है, बारिश क्या भाई, मौसम ख़राब हो रहा है, और हम जा रहे हैं अभी थोड़ा सा अपना जो ठिकाना है उसको ले लेते हैं। बाकी मयंक भाई, आपकी केदारनाथ यात्रा कैसी रही? भाई केदारनाथ यात्रा तो एकदम मस्त रही, लेकिन जो एक गढ़वाली गाना था ना कि ये भी मेरी कमर पीड़ा, आज तक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सच्ची में हो गई यार, आज मेरे को गाना बहुत याद आ रहा है कि काश मम्मी होती तो घर पर तो कुछ ना कुछ दवाई देती, लेकिन हो गया, ये वो मेरी कमर पीड़ा। मैं बताऊं, ये वो मेरा गोना पीड़ा। कोई बोल रहा है ये मेरी बर्मन पीड़ा, कोई कमर पीड़ा। और भाई तुम्हारी कहाँ कहाँ पीड़ा हो रही है? मेरे तो सारे जगह पीड़ा ही पीड़ा हो रही है। तो अभी हमने डिनर वगैरह भी कर ही लिया है, टाइम मतलब 6 बज गया है, और एक साथ ही पूरे दिन भर का खाना खा लिया, रात का डिनर भी कर लिया, क्योंकि उसके बाद फुर्सत नहीं रहेगी कि खड़े उठने की। और ना यहाँ पे ऐसा सीन है ना कि रेस्टोरेंट भी बिल्कुल दूर दूर है, जो कैंप साइड है ना ये पीछे की साइड है, तो अभी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो एक ही टाइम हमने पूरा डिनर भी कर लिया, बाकी जो सुबह का खाना भी खाना था वो सब एक ही टाइम पर कर लिया। और ये हमारा कैंप है, इसमें सोए हुए 9 लोग, और ये बगल वाला कैंप है, इस वाले में सोए हुए 12 लोग। अब ये दिक्कत ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ना कंटिन्यूस बारिश, ये बर्फ पड़ रही है, तो जैसे ही लोग यहाँ पे टेंट खड़े कर रहे हैं तब तक बर्फ पड़ रही है, तो वो फिर दब रहे हैं, तो इससे बहुत अव्यवस्था है अभी, मतलब यहाँ पे बहुत दिक्कत है अभी केदारनाथ में। तो जो आज वाली हमारी लोकेशन है ना, वो जैसे ही हम टेंट खोलेंगे ऐसी लोकेशन दिखेगी, पूरा बर्फ बर्फ वाला पहाड़। तो केदारनाथ जो मंदिर है ना वो सीधे सामने पे है,
तो फिलहाल हम अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। आई होप आपने व्लॉग को एंजॉय करा होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। फिर मिल जाए आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।